नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं विंदु पात्रा और ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक के खबर। उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। कायाकल्प की 3 सदस्यीय टीम पहुंची खास महल सदर अस्पताल, 8 मानकों का किया गया असेसमेंट। और परसों कृषि उत्पादन बाजार समिति के गार्ड रूम से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को बेहोशी की हालत में निकाला गया बाहर, इलाज जारी। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उपायुक्त के द्वारा की गई समीक्षात्मक बैठक की। जी हाँ, समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त के द्वारा आपूर्ति विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त के द्वारा बहराउला प्रखंड के मानुष मुड़िया, केसरदा, जयपुरा, डुमरिया के बाकुल चंदा, घाटशिला के गालुड़ी व माहुलिया और पटमदा प्रखंड के गोबर घुसी में यथाशीघ्र धान क्रय केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सभी धान अधिप्राप्ति केंद्र के साथ एक अधिकारी अथवा पंचायत सेवक को टैग करने संबंधित निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति से संबंधित भुगतान के संबंध में किसानों के साथ वार्ता कर भुगतान होने में विलंब के कारण की जानकारी उन्हें प्रदान करें, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न पैदा हो। उपायुक्त ने प्रखंड स्तर पर लैंप्स के साथ बैठक कर कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। उपायुक्त ने सभी मार्केटिंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में राशन कार्ड बनाने से संबंधित प्राप्त आवेदन का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा सभी मार्केटिंग ऑफिसर को निर्देश दिए कि उनके स्तर पर राशन कार्ड से संबंधित कोई भी आवेदन लंबित ना रहे, यह सुनिश्चित करें। और साथ में सरकार की समीक्षा की गई, इसमें गोदामों के कंस्ट्रक्शन और उनके हैंडओवर की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही साथ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जो राशन कार्ड नए बनाने के आवेदन प्राप्त होते हैं उनके संबंध में उस स्थिति की चर्चा की गई। और पैडी प्रोक्योरमेंट की जो स्थिति है उस पर भी विमर्श किया गया। और इस क्रम में सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया कि जो भी अयोग्य लाभुक हैं उनको यथाशीघ्र चिन्हित करके और प्रक्रिया अनुसार नियमानुसार उनका राशन कार्ड डिलीट करना, तथा जो योग्य लाभुक हैं जिनके आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनको अविलंब डिस्पोज ऑफ करने की कार्रवाई सुनिश्चित। सर, अच्छे डीलर लोगों को सम्मानित करने की बात आप कह रहे हैं, ये अभी जो प्रखंड विकास प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा कि अच्छा कार्य किया जा रहा है उनके संबंध में अभी ये निर्णय लिया गया है और आगे चलकर किस क्रम में आगे। और इधर कायाकल्प की 3 सदस्यीय टीम जमशेदपुर के खास महल सदर अस्पताल पहुंची, जहां विभिन्न 8 मानकों का असेसमेंट किया गया। बता दें, इनके असेसमेंट के बाद ही सदर अस्पताल कायाकल्प अवार्ड की श्रेणी में है या नहीं ये तय हो पाएगा। 2016 से लगातार टीम का सदर अस्पताल का असेसमेंट किया जा रहा है, जहाँ 2017 और 2018 के असेसमेंट में अस्पताल को 3 लाख का अवार्ड मिला। वहीं 2018-19 के असेसमेंट में पूरे झारखंड में सदर अस्पताल को प्रथम पुरस्कार दिया गया। पुनः 2019-20 के लिए कायाकल्प की 3 सदस्यीय टीम अस्पताल पहुंचकर मुख्य 8 मानकों का असेसमेंट की, जहां अस्पताल की गुणवत्ता पर टीम के द्वारा मार्क्स निर्धारित किया जाएगा, जिसके आधार पर यह देखा जाएगा कि अस्पताल कायाकल्प के मानकों पर खरा उतर रहा है कि नहीं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद ने कहा कि स्वच्छता कर्मचारियों की ट्रेनिंग, मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं, हर बिंदुओं पर टीम के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जिसके आधार पर अवार्ड की रूपरेखा तैयार की जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सदर अस्पताल के क्रियाकलापों के आधार पर इस वर्ष भी अस्पताल कायाकल्प अवार्ड को जरूर हासिल करेगी। कायाकल्प की टीम 2016-17 में आई थी पहली बार। हमारे अस्पताल को उस समय अवार्ड नहीं मिल सका। 17-18 में आई, उस समय हमें सेकंड प्राइज मिला 3 लाख का। 18-19 में आई, हमें 50 लाख का अवार्ड मिला, फर्स्ट प्राइज मिला पूरे झारखंड में। उसके बाद पुनः हमारे और पाकुड़ में टाई अप हुआ, हमें सेकंड प्राइज दिया गया। कहा गया कि एक मरते जिसको मिल जाता है 50,000 के बाद। लेकिन हाँ, चूँकि हमारा अस्पताल निर्णय के अनुसार अपने स्तर को बनाए रखे हुए है और इस साल भी आई है, उस स्तर पे गुणवत्ता पे देखेगी टीम, कितना मार्क्स मिलता है उस पर निर्भर करता है। उम्मीद मैं करता हूँ कि इस बार भी मेरी अस्पताल को पुरस्कार मिलना चाहिए। ये लोग पूरे अस्पताल को एरिया ऑफ कंसर्न लगभग 8 है, उस एरिया ऑफ कंसर्न में देखते हैं,
और उस सारे चेकलिस्ट के अनुसार जितना मार्क्स आता है उसके मार्क्स पे ही अवार्ड दिया जाता है। टीम में कहाँ कहाँ से चिकित्सक शामिल हैं? टीम में 3 लोग हैं, एक डॉक्टर हैं जूर जो जपाइको से हैं, स्टेक होल्डर से, दूसरा क्वालिटी मैनेजर हैं, तीसरा हमारे स्टेट से आरबीएसके के डायरेक्टर। और इधर जमशेदपुर के परसोड़ी स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नीलकमल हांसदा को बाजार समिति के गार्ड रूम से बेहोशी की हाल में रूम का दरवाजा तोड़कर निकाला गया, जहां गंभीर अवस्था में नीलकमल हांसदा को एमजीएम अस्पताल लाया गया जहाँ उनका इलाज जारी है। जानकारी देते हुए बाजार समिति के सचिव ने बताया है कि 11 तारीख को वे ड्यूटी पर आए थे, वहीं 12 तारीख को वे ड्यूटी पर नहीं आए। उनकी सूद ली गई और उनके मकान में जाकर देखा गया तो दरवाजा अंदर से गुरुवार को बंद था, जिसे तोड़ा गया जहां वे बैठे अवस्था में ही बेसुध पाए गए। वहीं पुलिस को सूचना देकर इन्हें अस्पताल लाया गया। उन्होंने बताया कि उम्र अधिक होने और अकेले रहने के कारण कोई परेशानी हुई होगी, फिलहाल परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। नीलकमल हांसदा बाजार समिति के अंतर्गत इंजीनियरिंग सेल के चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं। परसों दिन जो है 11 तारीख को उन्होंने हाजिरी बनाया थे और 12 तारीख को उनको वो नहीं देखे गए, तो आज जब सब स्टाफ लोग वहाँ हाजिरी बनाने के लिए पहुँचे तो देखे कि वो नहीं आए, तो मन में शंका हुई। तो जो वहाँ कार्यरत श्री आशीष कुमार जी हैं वो जा करके देखे, दरवाजा बंद पाया, मुझे सूचित किया, मैंने तुरंत जो है थाने को सूचित किया और थाने के मौजूदगी में जो है उनका दरवाजा तोड़ा गया। और तोड़ने के बाद जब देखे तो वो बैठे बैठे जैसे अवस्था में थे और सांसें चल रही थी, तो हम लोगों को थोड़ा सा राहत लगा। तुरंत जो है पुलिस जेरमा को बुलाया गया और जेरमा आने के बाद जो है कि थाना के सहयोग से जो है इनको MGM अस्पताल डायरेक्ट ले गया कि काफी उम्र हो गया था और पता चला कि तबीयत स्वास्थ्य भी उनका अच्छा नहीं चल रहा था और अकेले भी रहते हैं, उनके परिवार जो है चाकुलिया में रहते हैं, उनकी वाइफ और उनका बेटा चाकुलिया में रहता है, उन्हें खबर कर दिया गया वे आ रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर त्वरित उसका निदान किया जा रहा है। जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले RWA सोसाइटी और फ्लैट से इसकी शुरुआत की गई। होल्डिंग टैक्स, वाटर कनेक्शन, डोर टू डोर कचरा उठाव प्रणाली के तहत किस तरह से गीला कचरा और सूखे कचरे को अलग करना है इसकी जानकारी दी जा रही है, साथ ही एक संवाद के जरिए विभाग के पदाधिकारी आम जनता से मुखातिब हो रहे हैं ताकि वर्तमान समय में स्थानीय लोगों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी JP यादव ने कहा कि जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले जितने भी RWA सोसाइटी और फ्लैट हैं उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक्टिव किया जा रहा है। उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने निवास स्थान के समक्ष 2 या 4 पेड़ अवश्य लगाएं। वहीं उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर विशेष कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जुगसलाई नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम जुगसलाई नगर परिषद में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। पहला हमारा लक्ष्य है कि जितने भी RWA हैं, सोसाइटी हैं, फ्लैट्स हैं, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, लोगों को होल्डिंग टैक्स के बारे में, वाटर कनेक्शन के बारे में, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बारे में, गीला कचरा को अलग रखना, सूखा कचरा को अलग रखना, हैजार्डस कचरा को अलग रखना, इन सब चीज़ों के बारे में अवगत करा रही हैं। हमारी पूरी टीम है, हमारे इंजीनियर हैं, सिटी मैनेजर हैं, स्वच्छता से रिलेटेड लोग हैं और एक संवाद हम लोग पब्लिक और नगर परिषद के बीच स्थापित कर रहे हैं ताकि उनकी जो समस्या है हम त्वरित उनका निदान कर सकें। इसी कड़ी में हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रत्येक सोसाइटी को एक्टिव कर रहे हैं कि हर सोसाइटी में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था हो, मिनिमम 4-5 पर्यावरण के दृष्टिकोण से पेड़ लगाया जाए, जहाँ भी जगह बचा हुआ हो वहाँ पर हम लोग प्लांटेशन करें ताकि लोगों को भविष्य में स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके। और ये मेरा जो अभियान है ये जुगसलाई में
लगातार चलेगा। स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है कि नहीं सर नगर परिषद? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले लोगों को नगर पालिका जाना पड़ता था, अब नगर पालिका की पूरी टीम उनके फ्लैट में आ रहे हैं, उनके परिसर में आ रहे हैं। लोगों में काफ़ी खुशी है और आम जनता से हमें इसमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और इधर जमशेदपुर में स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं पढ़ाई से वंचित होते जा रहे हैं। ना तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है और ना ही सरकार की तरफ से कोई पहल ही की जा रही है। इधर इस गंभीर मुद्दे को लेकर टेलको की सामाजिक संस्था खुलकर अब सामने आ गई। शहर की महिला सामाजिक संस्था ने उपायुक्त से मुलाकात कर एजुकेशन से वंचित हो रहे गरीब छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं जो गरीब हैं वो पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे में पूरे राज्य को शिक्षित करने की योजना और युवाओं को रोजगार देने की योजना विफल होती जा रही है। इसके तहत गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हो, उनको पढ़ाई के लिए एक स्कॉलरशिप अटेम्प्ट करना है, जिससे प्रत्येक महीने उसको 1500 रुपये राशि और स्कूल ड्रेस के लिए यहाँ से राशि प्रावधान दिया जाएगा। इसी के तहत हम दूसरे से तो मिलने के लिए आए हैं कि अगर उनको आज्ञा दे दे तो हम लोग इस क्षेत्र में और विस्तार रूप से काम कर सके और स्कूल में हमारे जितने भी प्रिंसिपल है उनसे काम करने में आसान होगी, इस तरीके से काम करने में, और जितने भी वंचित छात्र हैं उनको लेकर इस क्षेत्र में हम काम करेंगे। और इधर केंद्र सरकार के द्वारा रसोई के गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जमशेदपुर के सुनारी में महिला कांग्रेसी नेता उषा यादव के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। वहीं उन्होंने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करते हैं, ऐसे में कैसे बेटी पढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गैस की कीमत लगभग 1000 हो गई है, साधारण परिवार के बजट से यह बिल्कुल बाहर है, मध्यम वर्ग के परिवार के सदस्यों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री से तुरंत इस मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग उठाई। गैस के बहुत ज्यादा मांग हो गया है, 920 रुपया अभी फिलहाल में हुआ है। हमारी गरीब महिलाएं हैं, कहां से गैस भरा सकती है। मोदी जी तो बहुत दावा किए कि हम गैस फ्री में बांट रहे हैं। मोदी जी क्या हुआ, आप तो गैस बांट दिए लेकिन क्या गैस सक्षम है, हर महिला चला सकती है। इसलिए हमारी महिला कांग्रेस आज मोदी जी को बर्खास्त करती है, उनसे मांग करती है, इस्तीफा की मांग करती है। आप केंद्र में रहने लायक नहीं है, ऐसा सरकार को नहीं चाहिए। हमें हमारी महिलाएं जो सबसे त्रस्त हुई है आपके राज्य में, आप तो हमेशा बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारा किचन नहीं बचेगा तो हम बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। मेन चीज है मेरा किचन, जब महिलाएं किचन में हेल्पी है तो त्रस्त हो जाती है। क्या मोदी जी इसी दिन के लिए आपको महिलाएं ने वोट दी थी, आपको जिताई है, आप महंगाई कम करने के बजाय महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए हमारी सारी राज्य में आज महिला पुतला दहन कर रही है और मांग करती है कि आप इस्तीफा दीजिए, आप केंद्र सरकार के लायक नहीं है। क्या नाम हुआ? महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अर्श इंटरनेशनल्स रिक्रूटिंग विद एथिक्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर KSA। सऊदी अरब में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, क्लाइंट इंटरव्यू ऑन 31 अक्टूबर। सना कॉम्प्लेक्स ठाकुर बारी रोड आम बगान साक्षी, फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, फ्री मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन एंड OT। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, सबमिट योर CV एंड ओरिजिनल पासपोर्ट इमीडिएटली। एड्रेस सना कॉम्प्लेक्स ठाकुर बारी रोड आम बगान साक्षी, ऑफिस नंबर 1, 6th फ्लोर। कॉन्टैक्ट 7360003006 7360003006। अल्फेज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ट्रेड टेस्ट सेंटर। जो व्यक्ति भारत या विदेशों में नौकरी पाने के इच्छुक हैं और काम सीखना चाहते हैं तो शीघ्र संपर्क करें। 100% थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स,
3 months technical course. Training by Gulf Returner Trainer. 100% job placement. Don't waste your time and money. विदेश भेजने के सारे प्रबंध उपलब्ध. तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें अल्फाज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ट्रेड टेस्ट सेंटर. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I wanna go to school. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. One day, years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to sing. I love kangaroo kids. I love kangaroo kids. I love kangaroo kids. I love kangaroo kids. आपके शहर में आ गया है इंडिया का मोस्ट अवार्डेड इंटरनेशनल प्री स्कूल कैंगरू किड्स. आई लव कैंगरू किड्स. एडमिशंस ओपन फॉर टॉडलर्स प्ले ग्रुप नर्सरी लोअर केजी एंड हायर केजी. विजिट कैंगरू किड्स होल्डिंग नंबर 5 सीएच एरिया और कॉल 6203086168. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. जमशेदपुर जिला भाजपा की अहम बैठक गुरुवार को जिला कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा देश के गृह मंत्री के रांची आगमन की तैयारियों पर चर्चा की गई. आपको बता दें कि आगामी 17 फरवरी को झाविमो पार्टी का विलय भाजपा में होने जा रहा है और पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं. इसको लेकर भाजपा और झाविमो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विलय की प्रक्रिया संपन्न हुई. रांची के प्रभात तारा मैदान में इसके लिए बृहद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे राज्य भर से दोनों पार्टियों के लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे. इसकी तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है. जिला भाजपा के अध्यक्ष ने कहा है कि झाविमो के भाजपा में विलय और बाबूलाल मरांडी के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को काफी मजबूती प्रदान होगी. 17 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पश्चात पहली बार झारखंड प्रदेश में आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का आगमन हो रहा है एवं पूर्व गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, ऐसे बड़े नेताओं का रांची के प्रभात तारा मैदान पर आगमन हो रहा है. इसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की ओर से की जा रही है. उसी दिन पार्टी के पूर्व नेता और झारखंड विकास मोर्चा का जिन्होंने गठन किया था, वैसे श्री बाबूलाल मरांडी जी का भी भारतीय जनता पार्टी में समायोजन हो रहा है और भारतीय बाबूलाल मरांडी जी के शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी. इसी दिशा में आज की बैठक महत्वपूर्ण है. हम सभी लोग जमशेदपुर से हजारों की संख्या में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान गृह मंत्री के स्वागत के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर आज दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि मंडल स्तर पर कल बड़ी बैठकों का आयोजन हो ताकि हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर के उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके. और इधर जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में हाल में लगाए गए होल्डिंग टैक्स और ट्रेड टैक्स को लेकर निगम द्वारा बरती गई कड़ाई के खिलाफ मानगो विकास समिति की ओर से मानगो नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया, जहां विकास समिति के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मानगो नगर निगम द्वारा टैक्स की वसूली गलत है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है. समिति द्वारा आरोप लगाया गया है कि जबरन और निर्धारित शुल्क से ज्यादा टैक्स की वसूली की जा रही है. समिति के सदस्यों ने पोस्ट ऑफिस रोड और टैंक रोड में लगाए गए बैरियर को हटाए जाने की भी मांग की, जहाँ प्रदर्शन के दौरान मानगो नगर निगम के पदाधिकारियों और विकास समिति के सदस्यों के बीच बहस भी हुई. अंत में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विकास समिति के द्वारा एक ज्ञापन नगर निगम के विशेष पदाधिकारी को सौंपा गया. मानगो विकास समिति का अध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह, मानगो के विकास की समस्या, मानगो के विकास में जितनी बाधक समस्याएं हैं उनके बारे में हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ. मानगो में होल्डिंग टैक्स का मुद्दा हो, बढ़े हुए जल कर का मुद्दा हो, व्यवसायियों का भया दोहन ट्रेड टैक्स के नाम पे हो, हम इसका विरोध करते हैं.
मानगो को नगर निगम घोषित कर दिया गया है, लेकिन न तो चुनाव हुए हैं, न चयनित प्रतिनिधि आए हैं, न सुविधाएं बढ़ी हैं। ऐसी स्थिति में मानगो के लोगों से जबरन टैक्स वसूला जाना कहां तक जाए। मैंने पिछली सरकार और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन सबसे लगातार मांग उठाई है कि पहले मानगो नगर निगम का चुनाव कराया जाए, उसके बाद स्थानीय जो चयनित प्रतिनिधि होंगे वो डिसाइड करेंगे कि मानगो के लोगों से कितना टैक्स लिया। अगर होल्डिंग टैक्स नहीं हटाती है सरकार एक हफ्ता के अंदर तो क्या कीजिए? जी, मेरा अगला कदम होगा, हम माननीय आदरणीय उपायुक्त महोदय के कार्यालय पर आदेश लेकर सांकेतिक धरना एक दिवसीय देंगे, और एक दिवसीय सांकेतिक धरना में अगर कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम अनिश्चितकालीन धरना माननीय उपायुक्त कार्यालय के बाहर में देंगे। ये हमारी समिति की लड़ाई इस मुद्दे को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने तक जारी रहेगी। और इधर समाज सेवा के उद्देश्य से यूथ एकता फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा स्टेशन रोड दुर्गा पूजा मैदान में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पोटका विधायक संजीव सरदार व पूर्व सांसद सुमन महतो भी मौजूद थे। जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके, साथ ही रक्त के अभाव में कभी किसी की मौत ना हो, इन सब उद्देश्यों को लेकर यूथ एकता फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां एनजीओ के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा लेते हुए अपने 100 यूनिट लक्ष्य को पूरा किया। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए एनजीओ के अध्यक्ष मलकीत सिंह ने कहा कि समय समय पर शिविर लगाकर जरूरतमंदों की सेवा की जाती है। एकता फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा लक्ष्य 100 यूनिट का था, वो लक्ष्य हम लोग पार कर चुके हैं। और हमेशा हम लोग गरीब गुरबा के सपोर्ट में ब्लड देते हैं, जिसको जो नहीं आ सकता है उसको पहुंचा के कर देते हैं। और एकत्रित रक्त का क्या करते हैं आप? एकत्रित रक्त हम लोग जो भी भैया जो सक्षम रहते हैं उन लोगों को पहुँचा कर, जैसे कि मान लीजिए सदर अस्पताल में रक्त का अभी तक कुछ आयोजन नहीं है, लेकिन वहाँ पे हर मरीज़ को हम लोग पहुँचा करके देते हैं। अभी हाल ही में हमने वहाँ पे 11 बोतल का यूनिट का वहाँ पे डोनेट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अभी लगता है 800 रुपये जो चार्ज लगता है वो चार्ज भी हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग संस्था अपने तरफ से वो पे करती है। क्या नाम हुआ आपका? मलकीत सिंह। और इधर जमशेदपुर जिला मुख्यालय में सरायकेला जिले से आदिवासी परिवार अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री से अपने और अपने परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाई। बताया जाता है कि सरायकेला जिले के निवासी स्वर्गीय माझू सरदार के परिवार की एक रैती जमीन थी, जिसे बिना किसी कारण और बिना नोटिस और मुआवजे के जैडा ने अधिग्रहण कर लिया और उक्त जमीन को एक कंपनी के मालिक को दे दिया गया। आदिवासी परिवार को इसका कारण भी सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा नहीं बताया गया। उस जिले में न्याय नहीं मिलते देख आदिवासी परिवार जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए न्याय दिलाए जाने की गुहार। परिवार का जमीन का मामला है, आयडा के द्वारा दखल किया गया है और ये जो संस्कारी संस्था है आयडा, और आयडा से जब सर्टिफाइड कॉपी मांगा जा रहा है तो वो किसी तरह का वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे पा रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने आंचल अधिकारियों से 2005 अधिसूचना के नियम से उनसे सूचना मांगा, तो उन्होंने ये सूचना में बताया कि किसी संस्कारी संस्था के द्वारा अधिग्रहण किया गया होगा, लेकिन फिर उसके बाद हमने आयडा से फिर दोबारा पिटीशन करके मांगा तो उन्होंने ये बताया कि हाँ मैंने अधिग्रहण किया है और इस ज़मीन का जो मेन मालिक है जो स्वर्गीय माझू सरदार और उनकी धर्म पत्नी सुभाषिनी सरदार और उनके सपुत्र मंटू सरदार, जो आज उनकी ऐसी परिस्थिति है जो खुद का जमीन हो के भी वो आज दर बदर भटक रहे हैं और एक किराए के मकान में रह रहे हैं। तो मैं इसके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, खास करके मैंने इसको लेके मैंने वहाँ के रिपोर्टरों को मैंने दिया भी था, लेकिन वहाँ के अखबार वालों ने किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। आपका यहाँ पर भी कुछ यहाँ पे मैं मिलने आया हूँ डीसी महोदय से, और मांग यही करते हैं कि जो सरायकेला का मामला है वहाँ पे नहीं सुनवाई हो रहा है और कुछ गुहार लगाने आया है कि कुछ इस परिवार को मदद किया जाए जो आज दर बदर भटक रहे हैं। वहाँ से मदद नहीं मिला क्या इसको लेकर? आप मुख्यमंत्री को भी देंगे? एकदम क्या मुख्यमंत्री को भी देंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि आज अगर आदिवासी की सरकार है और आदिवासी की जमीन छीना जा रहा है तो इसका कारण क्या है? अगर आदिवासी अगर सुरक्षित नहीं है अपनी जमीन, आज उसका जल जंगल जमीन ही उसका सबसे बड़ा धन है और वही छीना जा रहा है।
तो मैं हेमंत सोरेन से गुहार लगाऊंगा कि इस परिवार को न्याय मिले। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ दिनकर कच्छप, मैं आदिवासी दलित युवा मंच का जिला अध्यक्ष। और अब चलते चलते एक नजर अब तक के सभा पर। उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। कायाकल्प की 3 सदस्यीय टीम पहुंची खास महल सदर अस्पताल, 8 मानकों का किया गया असेसमेंट। और परसों के कृषि उत्पादन बाजार समिति के गार्ड रूम से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को बेहोशी की हालत में निकाला गया बाहर, इलाज जारी। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।